दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होंडा एक्टिवा 4G के 5 ड्रॉबैक्स के बारे में, जो कि इस स्कूटर के डाउनसाइड हैं अगर कंपेयर किया जाए इसी सेगमेंट की दूसरी स्कूटर से। तो दोस्तों जो यहाँ पर पहला ड्रॉबैक निकल कर आता है होंडा एक्टिवा 4G में, वो है कि इसमें आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, जबकि ज़्यादातर कॉम्पिटिटर स्कूटर्स में आपको एलॉय व्हील्स स्टैंडर्ड वर्जन में ही मिल जाते हैं। तो होंडा को इस बारे में सोचना चाहिए कि 2018 के अंदर भी वो हमको एलॉय व्हील्स नहीं दे रहा है। तो दोस्तों बात की जाए यहाँ पर सेकंड ड्रॉबैक की, तो एक्टिवा 4G में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको वही पुराने सस्पेंशन मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सस्पेंशन में कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये सस्पेंशन आपको उतना कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जितना कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कम्फर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक्टिवा 4G के थर्ड ड्रॉबैक की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक्टिवा 4G में एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग नहीं मिलती है, तो जब भी आप फ्यूल फिल कराने जाएंगे तो आपको स्कूटर से उतरना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए इसके फोर्थ ड्रॉबैक की, तो एक्टिवा 4G में आपको जैसे ही 70 to 75+ की स्पीड टच करते हैं तो आपको वाइब्रेशंस फील होने लगते हैं हैंडल पर, और वाइब्रेशंस काफ़ी नोटिसेबल होते हैं जिस कारण काफ़ी लोगों ने इस इशू का कंप्लेन किया है। तो दोस्तों जो इस स्कूटर का फिफ्थ डाउन साइड है वो है इसका डिज़ाइन। दोस्तों जब से एक्टिवा इंडिया में लॉन्च हुई है तब से अब तक सिर्फ माइनर चेंजेस हुए हैं डिज़ाइन में, जिस कारण इसका डिज़ाइन अब आउटडेटेड लगता है और काफ़ी लोग दूसरे न्यू डिज़ाइन के स्कूटर्स बाय करना प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों ये थे वो कुछ 5 डाउनसाइड एक्टिवा 4G के, जो कि आपको इस स्कूटर को बाय करने से पहले जानने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के रिव्यूज़ और बाइक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।